Today I am going to tell you a 10 powerful YouTube analytics to help you grow your channel 2021. Remember, knowledge is a power. अगर आपको एनालिटिक अच्छे से आ जाती है तो आप अपने वीडियो को ग्रो करने में हेल्पफुल होंगे. डू यू यूज यूट्यूब एनालिटिक? क्या आप यूट्यूब एनालिटिक को यूज करते हैं? और हर दिन आप सोचते हैं कि आज मेरा वीडियो सक्सेसफुल होगा और हाँ, अपनी उंगली क्रॉस करके वीडियो को अपलोड कर लेते हैं. There are 11 powerful metrics that you can track in YouTube Analytics. Understanding YouTube Analytics and the time and numbering and graphs that comprise it can help you to make impactful decisions that massively improve your video and grow your YouTube channel. अगर आपको YouTube Analytics अच्छी आ जाती है तो आप अपने वीडियो को ग्रो कर सकते हैं. How to use a YouTube Analytics? इसके लिए ये जानना जरूरी है कि YouTube Analytics को कैसे यूज करें जिससे कि वीडियो वायरल हो जाए. द रियल की टू यूट्यूब सक्सेस इज कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट. अब उसका मेन की क्या है कि आप अपने वीडियो के बनाने के लिए सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट करिए अपने मटेरियल्स में, वीडियो में, और अंडरस्टैंड करिए अपने ऑडियंस को और उन ऑडियंस के साथ पर्सनल कनेक्शन बनाइए जिससे कि वो आपके और अपने नीच के अपने तरह के लोगों से, जिससे कि आपको इंटरेक्शन मिले. YouTube Analytics इज एन इनवैल्यूएबल टूल. एक बहुत ही अच्छा टूल है जिससे कि आप अपने वीडियो को ग्रो कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं. इट विल शो यू व्हाट कीप्स पीपल ग्लू टू योर कंटेंट और व्हाट मेक्स पीपल क्लिक ऑफ. अब ये बताता है कि कैसे लोग आपके पास आते हैं और कैसे नहीं आते. जो पुराना यूट्यूब डैशबोर्ड था उस पर डैशबोर्ड में कंटेंट, प्लेलिस्ट, एनालिटिक, कमेंट्स, सबटाइटिंग, कॉपीराइट एंड सेटिंग आता था, लेकिन न्यू वर्जन में फर्क हो गया है. हाउ डू आई सी एनालिटिक ऑन यूट्यूब? अब यूट्यूब पे एनालिटिक देखने के लिए आपको सबसे पहले यूट्यूब एनालिटिक डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे आप जब क्लिक करें, क्लिक योर प्रोफाइल पिक्चर एट द टॉप राइट ऑफ एनी यूट्यूब पेज एंड देन क्लिक यूट्यूब स्टूडियो बीटा एंड यू विल taken a new YouTube Studio dashboard. Next click analytic in the left side and now at the top of the YouTube analytic dashboard there are four tabs: overview, reach, engagement and audience, which I will show you. This is the overview, reach, engagement and audience. And yahan pe dikha raha kitna view hai, kitna watch time hai, kitne subscriber hai 28 days mein aur कितना व्यू मिला है. तो 10 तारीख को 988 व्यू मिला था मेरे को, तो ये उसमें पूरा दिखा रहा हूँ. 4682 लोगों ने देखा. न्यू यूट्यूब स्टूडियो वर्सेस ओल्ड क्रिएटर स्टूडियो. न्यू यूट्यूब स्टूडियो रिसेंटली अपग्रेडेड एनालिटिक फ्रॉम क्रिएटर स्टूडियो टू बीटा वर्जन ऑफ यूट्यूब स्टूडियो व्हेन यू लॉग इट. You are automatically taken to new YouTube Studio dashboard instead of old Creator Studio dashboard. If you want to assess some of the feature of the Creator Studio, you can do so in a left-hand column. The new YouTube Studio has the playlist, live event, live streaming or translation and transcription, monetization, status, features, audio library, customized channel, VR heat map. ये सारी चीजें option left menu में आपको जब profile पे click करिएगा तो dashboard पे मिलेगा. लेकिन यू कैन यूज अ क्लासिक वन ऑल्सो. पुराना वाला भी आप यूज कर सकते हैं. देयर आर नो डिनाई दैट व्यूज आर वाइटल मैट्रिक टू ट्रैक. इंस्टेड इट बेस्ट टू फोकस ऑन वॉच टाइम. यूट्यूब सबसे ज्यादा फोकस करता है व्यू पे नहीं फोकस करता, वो वॉच टाइम पे फोकस करता है. मतलब आपका वीडियो किसने कितनी देर तक देखा, उस पर मेन परफॉर्मेंस आपका डिपेंड करता है, ना कि वीडियो ही पे केवल, बल्कि चैनल को भी वो देखता है. और क्यों ये बहुत ज़्यादा, व्हाई डज यूट्यूब वैल्यू वॉच टाइम सो मच? बिकॉज इट्स क्लियरेस्ट इंडिकेटर हाउ इंगेजिंग एंड वैल्यूएबल अ वीडियो इज. क्योंकि वही बताता है कि आपका वीडियो कितना अच्छा है और क्यों लोग देखना चाहते हैं. वॉचिंग वाजंट इंटरेस्टेड इनफ टू वॉच एंटिल द एंड. जो देख रहे हैं अगर एंड तक नहीं देखते, दैट मीन्स आपके वीडियो में बहुत अधिक दम नहीं है. दिस इज वाई वॉच टाइम इज अ मेन रीजन बिहाइंड यूट्यूब एल्गोरिथम. इट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल वीडियो दैट आर रैंक्ड बाय वॉच टाइम बट एंटायर चैनल टू.
अब अकॉर्डिंग टू यूट्यूब चैनल एंड वीडियो विद हायर वॉच टाइम आर लाइकली टू शो अप हायर सर्च रिजल्ट एंड कम। अगर आपका वॉच टाइम लोग ज़्यादा देर तक देखते हैं तो यूट्यूब इस वीडियो को और आगे भी भेजता रहता है। एंड द बेस्ट वे टू डू दिस इज सिंपली बाई क्रिएटिंग बेटर वीडियोज दैट पीपल वॉन्ट। तो आप इधर उधर अपना फालतू समय बर्बाद मत करिए, अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करिए जिससे कि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आपका रिकमेंडेशन बढ़े। एग्जामिन योर ऑडियंस रिटेंशन, व्यूअर्स स्पेंड मोर टाइम वॉचिंग योर वीडियो एंड हाउ वेल ईच ऑफ योर करेंट वीडियो होल्ड्स पीपल विद अटेंशन, दैट वे यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट। कितना लोग देर तक देखते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कितना चलेगा। द मैट्रिक्स अलाउ यू टू सी द क्वालिटी ऑफ योर व्यू, इफ यू आर एबल टू अनकवर अ पॉइंट इन द वीडियो पीपल स्टॉप वॉचिंग। अगर आप बहुत से पॉइंट्स कवर नहीं कर रहे हैं और उनको कोई वैल्यूएबल चीज इसमें नहीं मिल रही है ऑडियंस को, तो वो आपके वीडियो को आगे नहीं देखेंगे। सपोज आपने 5 मिनट 27 सेकेंड 27 सेकेंड का लॉन्ग वीडियो बनाया और लोगों ने 3 मिनट 50 सेकेंड ही देखा, तो दैट मीन 70% तो देखा। डिड यू से समथिंग ऑफेंसिव और उसके बाद लोगों ने उसको देखना छोड़ दिया, तो क्या आपने कुछ ऐसा बोला कि जो वो उनको पसंद नहीं आया और आपका वीडियो देखना बंद कर दिया। तो आपको केवल ऑडियो रिटेंशन कहाँ से शुरू, मतलब ऑडियो ऑडियंस कहाँ से, ऑडियंस रिटेंशन कहाँ से शुरू हो रहा है ये देखना होगा कि उसके बाद आपने ऐसा क्या कहा कि लोग ने आपका वीडियो देखना बंद कर दिया, और उसको इम्प्रूव करना होगा। और रिलेटिव ऑडियंस रिटेंशन भी देखना पड़ेगा कि इसी टाइम का, इतने ही लिमिट का वीडियो, दूसरा वीडियो कितनी देर तक आदमी देख रहा है, और जो आपने करंट चलाया वो कितनी देर तक देख रहा है। तो वो रिलेटिव ऑडियो रिटेंशन हो जाता है। जब दो वीडियोस को आप कंपेयर करते हैं तो वो रिलेटिव रिटेंशन हो जाता है, ऑडियंस रिटेंशन हो जाता है। कीप एन आई ऑन योर रियल टाइम रिपोर्ट, रियल टाइम रिपोर्ट मेजर व्यू ऑफ योर वीडियोज इमिडिएटली आफ्टर रिलीज देम। अब आपने जैसे ही वीडियो रिलीज किया वैसे ही अगर ढेर सारे लोग देखने आ जाते हैं तो आपका रियल टाइम रिपोर्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप देख सकते हैं 48 आवर में कितने लोगों ने देखा, 60 मिनट में कितने लोगों ने देखा, तो उस पर डिपेंड करेगा अक्रॉस योर एंटायर चैनल और स्पेसिफिक वीडियो। यूट्यूब रियल टाइम रिपोर्ट कैन हेल्प यू टू डिस्कवर द स्पाइक्स इन ट्रैफिक एंड रिलेट देम टू रियल टाइम इवेंट। अब स्पाइक क्या होता है, जहाँ से लोग आपका वीडियो ज़्यादा देखना शुरू करते हैं तो उसमें स्पाइक बन जाता है कि वहाँ से लोगों ने ज़्यादा देखा, और फिर उसके बाद फिर गिरने लगता है, फिर आप अगर कुछ बीच में अच्छा बोलते हैं तो फिर ऊपर उठने लगता है। अभी हम आपको उसको प्रैक्टिकली दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉट इज़ अ स्पाइक। फॉर एग्जाम्पल दे दैट यू पोस्ट योर न्यू वीडियो ऑन अ फेसबुक बट देयर इज़ नो स्पाइक इन व्यू। Then 20 minutes later, you have post your video on Twitter and views spike dramatically. You know now know that your Twitter audience is more receptive to their particular content than your Facebook audience, and you can then engage them their audience to write the way. अब मान लीजिए आपने कोई ऐसा वीडियो बनाया कि जो Twitter पे लोग ज़्यादा देख रहे हैं, Facebook पे कम देख रहे हैं, YouTube पे ज़्यादा देख रहे हैं, तो आप उन ऑडियंस को कॉन्सेंट्रेट करिए और उनके पास उसी टाइप का वीडियो भेजिए। एक्सप्लोर योर ऑडियंस डेमोग्राफी, अब आपको लोगों की डेमोग्राफी भी जानना चाहिए कि किस एज के हैं, किस लोकेशन के हैं, जेंडर क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तो आप उसी के हिसाब से अपने वीडियो को बनाइएगा और उन्हीं को टारगेट करिएगा। यू मे डिस्कवर एंड एंगेज ऑडियंस इन फॉरिन कंट्री यू आर करेंटली नॉट सर्विंग एंड डिसाइड। आपने सोचा भी नहीं था कि आपका वीडियो फॉरेन कंट्री में देखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर लोग देख रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अपने वीडियो को बनाना होगा। आइडेंटिफाई योर ट्रैफिक सोर्स, आपका वीडियो देखने वाले लोग कहाँ से आ रहे हैं। यू मे फाइंड योर रिपोर्टिंग टाइम एंड मनी इन टू ट्रैफिक सोर्स दैट इज इन परफॉर्मिंग वेल। दिस वुड अलाउ यू टू कट योर लॉसेज एंड रिडायरेक्ट देयर रिसोर्सेज टू स्ट्रॉन्गर चैनल। अब आपको ये पता करना होगा कहाँ लोग ज़्यादा देख रहे हैं, कहाँ कम देख रहे हैं, कहाँ एवरेज देख रहे हैं, और उसी हिसाब से आपको अपने
ट्रैफिक को कंट्रोल करना पड़ेगा और उन लोगों के पास ज़्यादा अपना वीडियो भेजना पड़ेगा जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं। और यू मे नोटिस अ ट्रैफिक सोर्स ग्रोइंग स्टेडली एंड चूज एंड इन्वेस्ट मोर रिसोर्सेज। अगर आपको लगता है कि व्यू नहीं आ रहा है तो आपको ऐसा उसको इम्प्रूव करना होगा जिससे लोग देखें। यू मे डिस्कवर दैट वन ऑफ योर ट्रैफिक सोर्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, और आप देखिएगा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा आपके वीडियो को देख रहे हैं और कुछ लोग बिल्कुल नहीं देख रहे। तो जो लोग ज़्यादा देख रहे हैं उनके पास अपने वीडियो को भेजिए जिससे कि आपका वीडियो बूस्ट हो जाए। सी हाउ इम्प्रेशन रिलेट टू वॉच टाइम। अब अगर इम्प्रेशन आपके वीडियो पे अच्छा, इम्प्रेशन कैसे होगा कि जब आपका थंबनेल अच्छा होगा। एंड शो अप योर यूट्यूब यूजर स्क्रीन डेटा ऑन इम्प्रेशन कैन योर अंडरस्टैंड विच वीडियो विल डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्ट। अगर आपका थंबनेल अच्छा होगा तो YouTube ज़्यादा लोगों में इसको भेज देगा जिससे कि ज़्यादा लोग उसको क्लिक करेंगे। लेकिन इम्प्रेशन अच्छा होते हुए भी अगर व्यू अच्छा नहीं है तो उसका क्लिक थ्रू रेट तो ज़्यादा होगा लेकिन व्यू टाइम वॉच टाइम नहीं मिलेगा। इट शो हाउ मेनी ऑफ पीपल हु सॉ योर थंबनेल क्लिक डाउन इट। क्लिक थ्रू रेट से आपको पता लगता है कितने लोगों ने देखा, और वॉच अगर ज़्यादा देर तक लोग देखते हैं तो उससे पता लगता है कि वॉच टाइम उससे मिला कि नहीं। द इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट मेजर योर वीडियो एबिलिटी टू एंटाइज पीपल टू क्लिक ऑन योर वीडियो टू वॉच इट। अ हायर क्लिक थ्रू रेट मीन्स दैट यू हैव टू गुड टाइटल एंड थंबनेल एंड टॉपिक रिजल्ट एंड द पीपल ब्राउजिंग ऑन यूट्यूब। नाउ लेट लुक एट द कॉमन पिटफॉल। Say that you have a high click-through rate leading to plenty of view but your average view duration is low. अब लोगों ने ज़्यादा तो क्लिक किया लेकिन उसको देखा कम, तो एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा। This is bad. It means that your video caught people's attention but couldn't hold it. You will find this often happen with a clickbait video. अब ऐसा कब होता है, जब आप clickbait करते हैं। आप सोचते हैं अरे हमने clickbait कर दिया लोग तो खोल ही लेंगे, लेकिन लोग खोलते हैं और बहुत से लोग ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस ढंग का क्लिक थंबनेल है उसी टाइप की इंफॉर्मेशन अंदर मिले, और जब उन्हें नहीं मिलती तो वो डिसअपॉइंट होते हैं। रिव्यू योर टाइटल एंड थंबनेल एंड दे कुड बी मिसलीडिंग, और समझ जाते हैं कि आपने हमको मिसलीड किया है। द लास्ट थिंग्स यू वॉन्ट टू डू इज मिसलीड व्यूअर्स। डूइंग सो विल मेक दम फील डिसीव्ड एंड मैनिपुलेटेड। दे विल लूज ट्रस्ट इन योर ब्रांड एंड यू मे लूज देम एज अ कस्टमर फॉरएवर। और आप हमेशा के लिए उन व्यूअर्स को खो देते हैं जिनके साथ आप क्लिक बेट करते हैं। ट्रैक योर कार्ड क्लिक थ्रू रेट। कार्ड्स आर अ कस्टमाइज इन वीडियो पैनल दैट यू कैन यूज एंड एनकरेज व्यूअर टू टेक अ डिजायर एक्शन। दे अवेलेबल फॉर वीडियो प्लेलिस्ट पोल्स लिंक्स एंड प्रमोट अनदर चैनल। अब आप कार्ड्स में क्या क्या देते हैं, आप अपना वीडियो देते हैं, चैनल देते हैं, प्लेलिस्ट देते हैं और चैनल का लिंक देते हैं। और वीडियो प्लेलिस्ट पोल लिंक एंड प्रमोट अनदर चैनल। अब आप अपना और आप कम्युनिटी पे क्या देते हैं, वीडियो प्लेलिस्ट पोल लिंक एंड प्रमोट अनदर चैनल, जिससे कि आप उसको प्रमोट कर सकिए। आपको कम्युनिटी में अथॉरिटी मिल जाती है कि आप दूसरों को भी प्रमोट कर सकिए। यूट्यूब एनालिटिक अलाउ यू टू व्यू ईच कार्ड क्लिक थ्रू रेट। This can help you to identify CTA resonate most with your viewers. Consider using more of the better performing CTA in future video. और इस तरह से आप कार्ड थ्रू रेट को बढ़ा सकते हैं। Study your likes and dislikes. अगर आपको बहुत अधिक likes मिल रहा है या बहुत अधिक dislike मिल रहा है तो dislike क्यों मिल रहा है उसका reason जानिए, और likes मिल रहा है तो उसी टाइप के वीडियोज़ को बनाइए। डू द टाइटल एंड थंबनेल एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द वीडियो कंटेंट इन द कंटेंट रिलेवेंट टू माय टारगेट ऑडियंस। डज द वीडियो हैव अ पुअर प्रोडक्शन क्वालिटी। आर द व्यूअर्स डिसएग्रीइंग विथ व्हाट इज बीइंग सेड टू द वीडियो। वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न अबाउट पोटेंशियल इशू टू चेक योर कमेंट्स। एंड तो आपका डिसलाइक क्यों क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा क्या वीडियो की क्वालिटी पुअर है या जिन ऑडियंस को आपने टारगेट किया वो आपका वीडियो नहीं देखना चाहते हैं और थंबनेल देख के तो वो चले गए लेकिन आगे उनको समझ नहीं आ रहा है। और कुछ भी आपको डिसलाइक का रीज़न समझना है तो आप अपने कमेंट्स को देखिए जो डायरेक्ट व्यूअर्स के थ्रू आता है, और वो आपको अच्छा फीडबैक दे सकता है। पे अटेंशन टू सोशल शेयर।
Social media can play a huge role in the success of your video, so it's important to understand how your videos are being shared across various social media channels. YouTube Analytics lets you view the number of shares you have received over time for your entire channel or individual videos. What's more, YouTube Analytics will show you where these shares took place. अब सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए करता है कि आप कितने व्यूज सोशल मीडिया से ला रहेंगे और कितने शेयर्स आपने किए और कितने शेयर्स फुलफिल हुए जिसके थ्रू आपका वीडियो देखा गया. ये सारा एनालिटिकल में आपको मिल जाएगा. मॉनिटर योर सब्सक्राइबर रेट. The YouTube metrics subscriber provide a strong indication of your channel ability to perform constantly. They are your regular viewers after all. It's vital to monitor any increase or decrease in your subscriber base. These simple metrics allow you to see the overall reach of your channel. अब आपके चैनल पे कितने रोज सब्सक्राइबर आते हैं और कितने चले जाते हैं ये इस पे भी आपका डिपेंड करता है एनालिटिक्स में कि कितना आपका वीडियो सक्सेसफुल है. If you find that certain video or topic result in gaining subscriber, you can be sure to take advantage. अगर आपके किसी particular topic पे ज़्यादा subscriber आते हैं, तो आपको उसी type का video बनाना चाहिए. If the topic perform badly and you lose the subscriber, you can be sure to avoid a future video. और अगर आप lose करते हैं subscriber, तो उस type के video को मत बनाइए. YouTube Analytics is a treasure of actionable insight that you can use to improve your video and grow your channel. It might look intimidating at first, but it just takes a simple overview to help you on your way to mastery. YouTube data analysis and taking full advantage of all amazing features in in-depth. Remember, YouTube algorithm heavily reward high watch time and audience retention. So the best wisdom we can impart to keep your viewer engaged and coming back for एक YouTube एनालिसिस जो है आपके लिए एक ट्रेजर के समान है. अगर आपका वॉच टाइम ज़्यादा होता है तो वो आपको YouTube रिवॉर्ड करता है और आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजता है जिससे आपका टाइम रिटेंशन बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा देख कर देते हैं. दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस एंड शुड नेवर स्टॉप smashing your goal left and right. The top performers on YouTube are always digging into their YouTube analytics metric to see what working and not and how to bridge the gap. और आपका YouTube analytics से ये पता लगता है कि किस कैसे आप लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करिए जिससे कि आपका व्यूअर्स और आपके बीच का गैप ख़त्म हो जाए और आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए. Which metrics on this list have you found most useful? Let us know the comment below. और अगर आपको कोई ये अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट में बताइए कौन से मैट्रिक आपको अच्छा लगा. Now you see the analytic, how to see the analytic in YouTube. Suppose I am taking this video. And here you got an overview, reach, engagement and audience. हमने आपको बताया था प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हम इसको देखते हैं. ये देखिए डिटेल, एनालिटिक, एडिटर, कमेंट, सबटाइटल, सेटिंग, सेंड फीडबैक. हम ये ओल्ड क्लासिक वाले यूट्यूब में दिखा रहे हैं आपको. यहाँ पे जब आप क्लिक करिएगा तो आप एनालिटिक में जा सकते हैं. किसी वीडियो को खोलिए, उसका एनालिटिक खोलिएगा तो आपको ओवरव्यू दिखेगा. हम सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं. देखिए इसमें दिखाया उसने कि 665 लोगों ने देखा, 2 घंटा 10 मिनट्स आपका लोगों ने देखा, 4 सब्सक्राइबर मिले और 602 व्यूज़ हुआ. 665 में से 602 लोगों ने उसको देखा और ये शॉर्ट वीडियो था जिसका व्यूअर 93.7% थे. ब्राउज फीचर 4 था, डायरेक्ट 1.8 थे, एक्सटर्नल 3 था, चैनल प्लेस 2 था और सी मोर करिएगा तो और भी दिखाएगा कि क्या क्या इसका डिटेल है. इस तरह से आप अपना रिव्यू कर सकते हैं कोई भी वीडियो. ये देखिए दिखा रहा ना कि कितने लोगों ने देखा. अब यहाँ पर आप और नीचे जाइएगा तो आपको दिखाएगा एवरेज व्यू ड्यूरेशन. अब ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर
ये आया 93% लोगों ने यहाँ तक देखा। उसके बाद दूसरे दिन से इसको घटना शुरू हो गया। अगर इसको फिर से शेयर किया जाता या लोगों को दिखाया जाता तो ये इसका व्यू बढ़ता। अभी रीच क्या है, ये कहाँ तक लोगों पर पहुंचा, इसमें 740 इंप्रेशन मिला जिसमें 3.7% इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट था और व्यू हमारा 665 था जो 615 मोर था रोज की अपेक्षा। अब ये देखिए यहाँ से ये आपका 1158 से आपका ये व्यू बढ़ता चला गया 1:58 तक। और ये जो ये व्यू बढ़ता है इसी को हम स्पाइक कहते हैं, जहाँ से आपका वीडियो देखना ज़्यादा शुरू हो जाता है। और ये अभी तक बना हुआ है, ये जुलाई 11 तक 738 अभी तक बना हुआ, केवल 2 लोगों ने कम देखा है। और इस तरह से ये और यूनिक व्यू कम जो आपका यूट्यूब से व्यू मिला है 597 है और सिंपल व्यू 665 है, जो एक्स्ट्रा अदर तरह के व्यू हैं। ट्रैफिक सोर्स आपका दिखा रहा है कि शॉर्ट फीड से 85.1% मिला है, ब्राउज फीचर से 6.2% मिला है, सजेस्टेड वीडियो 3.5% मिला है, एक्सटर्नल 3.0 है, डायरेक्ट 1 है 1.8 है और अदर से 0.5 मिला है। अब ये आपका देखिए फनल, हमने एक बार बताया था यूट्यूब फनल में जाते हैं यहाँ पर 731 इंप्रेशन है, व्यू फ्रॉम इम्प्रेशन 27 है 3.7% है और वॉच टाइम जो है 0.11 है। तो शॉर्ट वीडियो था ना इसलिए उसमें वॉच टाइम कम आया। क्रिएटर स्टूडियो आया, व्हाट्सएप आया, फेसबुक, अब ये अदर सोर्सेस से आ रहा है, फेसबुक मैसेंजर से आया, इंस्टाग्राम फाइल। ये क्रिएटर स्टूडियो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जब उसमें आप टैब टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब डालते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है। इंस्टाग्राम से 5.6 आया, यूट्यूब से 5.6 आया, फेसबुक से 11.1 आया, व्हाट्सएप से 22% आया। दैट मीन्स कि इस ग्रुप के लोग आपका ज़्यादा देखना चाह रहे हैं। ट्रैफिक सोर्स सजेस्टेड वीडियो जो आएगा आपका प्रपोर्शन ऑफ योर टोटल ट्रैफिक 3.5% है और इसमें एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ योर माइक्रोसॉफ्ट लोगो सबसे ज़्यादा ये वाला वीडियो देखा गया है। MRS, अब ये आपका हैशटैग जो देखा गया है शॉर्ट वीडियो ये आया। ट्रैफिक सोर्स प्लेलिस्ट, इसमें कोई प्लेलिस्ट पे नहीं गया है तो ये आ गया आपका। अब आया एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में आपका आया कि वॉच टाइम 2 घंटा 10 सेकेंड्स मिनट्स मिला है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन 11 है। ऑडियंस रिटेंशन दिखा रहा है आपका, पहले तो सारे लोगों ने देखा फिर इसके बाद 94 सेकेंड के बाद लोगों ने देखना कम कर दिया क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो है तो उसके उससे वो ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा है। अब आपका आया ऑडियंस, ऑडियंस अभी मेरे में ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि व्यूज़ कम है। यूनिक व्यू 597 है, रिटर्निंग 8 लोग ने छोड़ दिया क्योंकि और 4 सब्सक्राइबर आपको मिले हैं इसमें से शॉर्ट वीडियो से। तो इस तरह से आप पूरा अपने देख, अब ज्योग्राफिकल व्यू देखिए इंडिया और पाकिस्तान से लोगों ने देखा, इंडिया से 91.4% से, पाकिस्तान से 2% ने देखा और सी मोर करिएगा तो हो सकता है और आ जाए। ये देखिए ये आ रहा है तो ये दिखा रहा पाकिस्तान, मेनली पाकिस्तान और इंडिया से लोगों ने देखा है। यहाँ देखिए आपका व्यू एज, व्यू जेंडर, डेट, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, सोर्स कहाँ से आ रहा है, ये सारा कुछ वो दिखा रहा है। तो सोर्स तो हम आपको दिखा ही रहे कि इंडिया और पाकिस्तान से देखा गया। यहाँ पे देखिए एज दिखा रहा है 18 to 24, 25 to 34 और 55 to 64 लोगों ने देखा है। इसमें हमने सीसी नहीं डाला है और फीमेल 24% देख रही, मेल 75.7% देख रहे हैं। इस तरह से आपका डेमोग्राफी भी पूरा आप देख सकते हैं। दिस इज़ ऑल टुडे व्यूअर्स, आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी। यहाँ देखिए जहाँ से व्यू बढ़ता है उसको स्पाइक बोलते हैं और जहाँ से व्यू कम होता है उसको रिटेंशन, उसको क्लिक थ्रू रेट कम हो जाता है, वहाँ से लोगों वीडियो देखना बंद कर देते हैं।
So this is all today, viewer. If you like it, please share and subscribe my channel Ratan Agarwal IT Informer, and follow my all social media links and join the Telegram channel and go to community. You will get more videos like this. Thank you.